हेलो चिल्ड्रन, हाय, गुड मॉर्निंग माय स्टैंडर्ड 4। यस, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, अच्छे हो ना? क्या अभी भी पटाखे फोड़ रहे हो क्या? अभी लेक्चर्स नहीं पढ़ने क्या? और नहीं तो क्या? चलो चलो, कम ऑन कम ऑन, कॉन्सेंट्रेट हियर। यस, लेट वी स्टार्ट टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ओके, आज हम लोग, हमारा अभी जो नया टॉपिक है ना, हमारा कौन सा अभी चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 8। यस, बोलो चैप्टर का नाम क्या है, कौन बताएगा जल्दी मुझे? बोलो बोलो चलो। हाँ, कार्ट्स एंड व्हील्स। कार्ट्स एंड व्हील्स, मैंने एक अच्छी सी स्टोरी बताई थी ना स्टार्टिंग में इसके बारे में। ओके बेटा, नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक ऑफ दलजीत डिज़ाइन। ओके, यानी दलजीत की जो डिज़ाइन है ना, वो एक नया टॉपिक है ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अब वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो बी कॉन्सेंट्रेट हियर बेटा। ओके चलो, देखो इसने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया रहा दलजीत। अरे यार, इसको तो बाल ही नहीं है, ही इज़ गंजा और टकला। यस, देखो ये इसको आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? यस, डिवाइडर है ना ये। हाँ, इट्स अ कंपास और डिवाइडर, दोनों बोल सकते हैं। सी दलजीत डिज़ाइन, दलजीत हैज़ मेड दिस डिज़ाइंस यूजिंग अ कंपास, यानी कि उसने कंपास से यूज़ करके बनाया। कंपास हम लोग जो डिवाइडर बोलते हैं ना, यू नो वॉट, ये रहा देखो, ये है डिवाइडर, राइट? ये है ना। ओके, तो बेटा ये जो है ना, ये इसको कंपास बोला जाता है, राइट? क्या बोला जाता है? कंपास। इससे हम लोग चाहे ऐसा सर्कल बना सकते हैं, यहाँ पे पेंसिल लगा। आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। ओके, सो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यहाँ पे ध्यान देना। देखो कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाई है, पहले ये 3 सर्कल बनाए, फिर ये, मतलब ये तो ड्रॉ किया हुआ है, ये 2 लीव्स है, ये सब है ना उसने ड्रॉ किया, लेकिन ये डिज़ाइन बनाई है किसने? दलजीत ने। ही सिस्टर केम एंड स्टार्टेड मेकिंग मोर डिज़ाइंस विथ हिम, उसकी बहन आई उतने में ही। सी बेटा, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना यहाँ पे, ये जो मैं रीडिंग कर रहा हूँ ना, उसके अंदर आप कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि कोई कोई स्पेलिंग ऐसी होती है ना जिससे आप लोग की इंग्लिश जो है ना वो इम्प्रूव होती है, बराबर? यानी मैं पढ़ूंगा या फिर उसका कोई मीनिंग भी बताता हूँ तो वो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब उसकी बहन आई और उसने कुछ और डिज़ाइन उसके साथ बनाई। देखो ये रही दलजीत की सिस्टर ने बहुत अच्छी सी डिज़ाइन बनाई। देखो यू नो, ये सारा है ना इसकी हेल्प से ही बनाया है, कंपास की हेल्प से ही। कंपास, डिवाइड, आपको जो भी बोलना है। एक बात बताऊँ, आपको हंसी आएगी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताएं? यस, गैस करो गैस करो, कोई बताएगा? लंगड़ा प्रकार, क्या बोलते हैं इसको बेटा? हाँ, लंगड़ा प्रकार। अब आपके मम्मी पापा मानो हिंदी मीडियम से पढ़े हो ना, तो उनको पूछना कि इसको क्या बोलते हैं मम्मा पापा, इसको क्या बोलते हैं, वो बताएंगे बेटा ये तो लंगड़ा प्रकार है। और इसको गुजराती में परीकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? परीकर। यस, परीकर। ओके, और हिंदी में परकार भी बोलते हैं, परकार। ओके चलो, वो क्या ना चाय नाश्ता किया ना थोड़ा, तो थोड़ा वो हो गया। ओ भाई, कोई कोरोना वोरोना नहीं है यहाँ पे, ध्यान दो। हाँ, हो गया अपने दुश्मन को कोरोना, है ना? नहीं भाई, नहीं, दुश्मन को भी नहीं होना चाहिए बेटा। ओके चलो, यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, डू यू वॉन्ट टू मेक सच डिज़ाइंस, क्या आप और डिज़ाइंस बना सकते हो? टू मेक सच डिज़ाइंस यू विल नीड टू यूज़ अ कंपास, आपको और भी ऐसे डिज़ाइन बनानी हो ना तो आपको कंपास का यूज़ करना पड़ेगा। ओके भाई, अभी देखते हैं हमको क्या क्या डिज़ाइन बनानी है। देखो, यूजिंग अ कंपास, हैव यू सीन अ कंपास बिफोर, क्या आपने इससे पहले कभी कंपास देखा था? अभी तो मैंने तो अभी बताया ना, आपने पहले देखा था कभी? यस, नहीं देखा था। अच्छा, देखा हो रहा आपका ज्योमेट्री बॉक्स है ना, कंपास बॉक्स, उसके अंदर भी दिया होगा। हाउ विल यू यूज़ दिस टू मेक अ सर्कल? ओके, इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो ये उसके स्टेप्स लिखे। ओके, उसको कैसे यूज़ करना है, तो देखो अभी मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ। 1 मिनट। हाँ चलो, देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, ये है ना कंपास। देखो सबके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर अलग अलग होगा, अलग अलग टाइप्स का। ये जो बोल्ट है ना, बोल्ट, इसके लिए आपको एक वो भी दिया होगा, इसको मतलब टाइट और ढीला करने के लिए, राइट? तो ये सबसे पहले ये स्क्रू मैं खोल रहा हूँ, ये पूरा खोल देंगे तो भी दिक्कत, लेकिन ध्यान रखना कहीं खुआ ना आ जाए। मैं इसको खोल रहा हूँ, कहाँ तक खोलूँगा? ये पूरा बाहर ना आ जाए। और इसके अंदर ये पेंसिल में डाल रहा हूँ, पहले इसको बंद रखना, और ये पेंसिल की जो नोक है ना वो, और इसका ये जो पॉइंट, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों इक्वल। चलो, अब दिख रहा है हो गया ना? अब इसको मैं टाइट कर देता हूँ फिट। चलो, जितना मुझे जैसा सर्कल बनाना है ना, फिर इसको थोड़ा सा मैंने इतना खोल दिया स्लाइडली। ओके, अब मुझे जैसे कि सर्कल बनाना है, चलो हमको यही डिज़ाइन बनानी है सेम टू सेम। क्या लिखा है? यूज़ अ कंपास टू मेक अ सिमिलर वन इन द बॉक्स। ओके चलो, हम यही बनाते हैं। तो पहले ये है ना बेटा, ये हिलना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है।
मैं इसको यहाँ पे, मैं यहाँ से बना रहा हूँ क्योंकि है ना मुझे यहाँ से इजी। देखो मैंने ऊपर इतनी स्पेस छोड़ दी है, यहाँ से भी इतनी स्पेस मैंने छोड़ दी है, ओके। और फिर यहाँ से देखो अब ये मैं इसको पकड़ रहा हूँ, ये पॉइंट हटना नहीं चाहिए अदरवाइज आपका ये नहीं बन पाएगा। देखो मैं कैसे घुमा रहा हूँ, मानो पॉइंट हट गया ना तो आपका ये जो सर्कल है वो सर्कल नहीं कुछ और बनेगा। क्या इंडिया का मैप? नहीं इंडिया का मैप तो नहीं बनेगा, उतना बुरा भी नहीं बनता है आप लोगों का। वाओ कितना अच्छा सर्कल बना ना, राइट। तो मैंने थोड़ा बड़ा बनाया जानबूझ के। चलो अच्छा अभी मैं इसको पेंसिल्स को निकालता हूँ, निकाल दूँ? नहीं निकालना है, ओके। ये दिख रहा है आपको पॉइंट, ये मैं पॉइंट अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पे पेंसिल से, ओके। दिख रहा है पॉइंट, अब दिख रहा है आपको? चलो अब ये वाली डिज़ाइन बनानी है, तो क्या करूँगा मैं, ये इसके लिए मुझे स्केल चाहिए। क्या चाहिए इसके लिए? स्केल। सर इसके अंदर स्केल तो है ही नहीं, तो अभी मैं बताता हूँ। देखो ये स्केल यहाँ से मैंने ले लिया, बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे देखो, ये टू, पहले रेडियस बनाता हूँ मैं। देखो ये रेडियस बन गया, मैंने सिखाया था ना, यस। तो बिल्कुल इसके सेंटर में पॉइंट करूँगा मैं। चलो इसका सेंटर कितना होगा, कहाँ पे होगा? ये 0 से लेकर 2.5, यानी इसका सेंटर यहाँ। ऐसा नहीं करना तो ऐसे भी देखो पता चल रहा है इतना यहाँ ना सेंटर, राइट। अब वो सेंटर है ना, मैं इसको मेज़र कर, ये सेंटर में रखूँगा, और ये इतना ले लिया मैंने मेज़रमेंट। देखो पहले सेंटर बनाया, सेम यहाँ पे भी बना देते हैं सेम चीज, देखना अभी आप खाली यहाँ पे कॉन्सेंट करोगे तो अच्छे से पता चलेगा, अदरवाइज पता चलेगा नहीं, ओके। देखो ये टोटल 5 सेंटीमीटर है इसका, देखो दिख रहा है 0 से लेकर 5 तक ये मैंने बना दिया, ओके। तो इसका सेंटर पॉइंट ये है, ओके। देखो ये इसका, इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं दिख रहा है आपको? नाउ रेडी, अब दिख रहा है ना, ओके। देखो बेटा अब मैंने है ना ये सेंटर में इसको रख के इसका मेजरमेंट लिया, अब मुझे कहाँ से सर्कल बनाना है, ऐसे करके ऐसे। देखो देखो ये, अरे यार हिल गया, आपका नहीं हिलना चाहिए। ये क्या बुक है ना, देखो यहाँ से ऐसे ऊपर है ना थोड़ी ऐसे, आपको तो प्लेन पेपर में एक बार ट्राई करना बराबर। अरे यार ये हिल जा रहा है बार बार, ओके। और फिर ये सेंटर को यहाँ पर ऐसे रखूँगा मैं, ओके। पॉइंट आ गया, और यहाँ से ऐसे पकड़ के ऊपर से पकड़ना है हल्के से, दोनों मैच हो जाएंगे, ओके। स्लाइड फर्क पड़ रहा है स्लाइड, बिकॉज ये थोड़ा बुक इस तरह से ना बेटा, अब मैं इसको निकाल रहा हूँ इजीली। चलो देखा तो कैसे बना, पहले मैंने सर्कल कैसे बनाया, ये थोड़ा आगे पीछे थोड़ा सा हो रहा है। अब मैं है ना इसको इरेजर से इसको रफ कर देता हूँ, तो ये बन गया, लग रहा है कि जैसे बॉल हो है ना, क्रिकेट मैच की बॉल लग रही है ना, लेकिन अच्छा सा बन गया यार। क्लैप्स तो करो मेरे लिए, ओके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और नहीं दो क्या? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डू गेट ए सर्कल। अच्छा ये सर्कल कैसे बने उसके स्टेप्स बताए, लेकिन ये अभी स्टेप्स मैं नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज उसकी हमको ज़रूरत भी नहीं है। दिस मार्क इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल, ओके। तो इसका मैंने सेंटर बनाया। इज दिस सर्कल बेटर देन द वन यू मेड एर्लियर विदाउट अ कंपास? ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड मेजर इट, ओके। तो देखो इसके रेडियस बनानी थी हमने, यार अभी अभी मैंने मिटा दिया, शिट। आपको क्या करना है बेटा, आपको है ना बेटा एक प्लेन पेपर लेना है, उसके अंदर एक सर्कल बनाना है। जैसे अभी मैं मानो ये पहले मैंने हाथ से बनाया बराबर, ये हाथ से मैंने बनाया, और फिर मानो एक कंपास से बनाया। चलो मैं बना ही देता हूँ, देखो बना ही दिया मैंने, ये हिलना नहीं चाहिए आप लोगों को, बस थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा के रखोगे ना, हाँ ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे रखना है तो अच्छे से। अब मानो इधर से बनाना है तो ऐसे ही बना सकते हो। अब क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि आपने पहले बनाया था विदाउट कंपास वो अच्छा है कि अभी जो बनाए वो अच्छा है? तो ऑब्वियसली कंपास से बनाए वो अच्छा होगा ना। अब इसके रेडियस बनानी है, देखो अभी मैं पेंसिल नहीं लिखा रहा हूँ, ऐसे पकड़ रहा हूँ मैं, ठीक है।
पेंसिल मानो मे भी शायद जरूरत पड़ जाए फिर से, तब मैं इसके रेडियस बना देता हूँ। रेडियस पता है ना किसको बोलते हैं, मैंने सिखाया था ना लास्ट लेक्चर में, याद है कि नहीं? यस, वो एक्सेस, अरे वर्कबुक में से मैंने समझाया था रेडियस किसको बोलते हैं। तो सेंटर पॉइंट में से ये कर्व्ड एरिया है ना सर्कल का ऊपर का किसी के साथ जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। हमको इसको शॉर्ट में आर बोलना है। क्या बोलना है? आर। नाउ यू कैन मेक योर ओन डिजाइन लाइक दिस पिरामिड, हाउ मैनी डिड यू मेक? ओके, अब आपको डिजाइंस बनानी है। तो देखो बेटा, आज का मैं अभी से होमवर्क भी बता देता हूँ आपको। सी, कुछ ऐसे सर्कल्स बनाने और अच्छे अच्छे डिजाइन बनानी है बराबर सर्कल के अंदर ही। आप इसके लिए मम्मी पापा की भी हेल्प ले सकते हो और आपका खुद का भी माइंड लगाओ कि मैं सर्कल के अंदर और सी कौन कौन से डिजाइन बना सकता हूँ, विथ यूजिंग ऑफ कंपास। ओके, किससे बनाना है? कंपास से। नाउ सी, क्या लिखा है? इज इट ए सर्कल? क्या ये सर्कल है? नो, नैना वॉज मेकिंग ए सर्कल। अच्छा, नैना ने सर्कल बनाया था लेकिन इस तरह से बना रही है। रवि आस्क्ड हर फॉर एन इरेजर। ओके, सी कैप्ट हर कंपास एंड गेव हिम द इरेजर, देन सी स्टार्टेड अगेन टू कंप्लीट हर सर्कल बट सी गॉट दिस। ओके, अब देखो एक और बात यहाँ पे आपको बनाने की, जब बनाने बैठो ना तो ये जैसे मैंने मानो ये रख दिया मैंने पॉइंट, नहीं तो फिर ये नैना जैसा होगा। ये है ना, नैना ने बनाने की कोशिश कर रही थी, इसने इतना बनाया, एक मिनट, इतना बनाया, बोले इरेजर देना, उसने ये हट गया, उसने फिर से बनाना स्टार्ट किया। बोलो ऐसा बनेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है? उसने कंपास दिया, इरेजर दिया, किससे? रवि से इरेजर मांगा। तो बेटा ये हमको ये एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि वो बनाना स्टार्ट कर रही थी, उतने में इरेजर की उसको रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन मैं तो बोलता हूँ इसमें इरेजर की कहाँ जरूरत थी। तो ये नैना दीदी जो है ना, नैना पता नहीं चलता है। हाँ, नहीं तो हमारे स्कूल में आ जाओ तो पता चल जाएगा। ओके बेटा, है ना, विजय से सिखा देंगे कि एक बार रखने के बाद इसको उठाया जाता नहीं, और मे बी आपने उठा भी लिया तो ये पॉइंट आपको रिमाइंड, यस, याद होना चाहिए। देखो जैसे ये मैंने उठा लिया बराबर, लेकिन मुझे ये पॉइंट याद है, दिख नहीं रहा है ना, ये मुझे मुझे दिख रहा है, आपको वीडियो में शायद नहीं दिख रहा होगा। ये है ना, ये पॉइंट मुझे दिख रहा है यहाँ से, मेरी फिंगर देखो यहाँ पे पॉइंट है, मैं भूल गया इस उसको उठा लिया मैंने, तो फिर से मैंने रख दिया इसको, तो अब मैं अच्छे से बना पाऊँगा, भले मैंने मुझे इरेजर की जरूरत भी नहीं है। ओके, गॉट इट? तो जब भी आप स्टार्ट करो ना बराबर सर्कल बनाना, तो ध्यान रखना है कि इसको यानी कि कंपास को उठाना नहीं है। गैस, चलो गैस करना है। क्या गैस करना है? व्हाई डिड नैना गेट सच अ ड्रॉइंग डिस्कस? अच्छा, नैना जो है वो इस तरह से डिजाइन, मतलब इस तरह से क्यों ड्राइंग कर पा रही? आप मुझे बताओ, कैन ए सर्कल हैव मोर देन वन सेंटर? क्या सर्कल को एक से ज्यादा सेंटर होते? नेवर बेटा, नेवर, कभी नहीं। एक सर्कल को सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली अ सर्कल हैज ओनली एंड ओनली अ वन, यस यस, ओनली अ सेंटर, यानी ओनली वन सेंटर। कोई भी सर्कल को सिर्फ कितने सेंटर्स होते हैं बेटा? ओनली वन सेंटर ही होता है। हाँ, रेडियस तो मैंने आपको बताया, रेडियस तो बहुत सारी होती है, अनलिमिटेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, इनफाइनाइट या तो इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट या तो फिर इन्फिनेटिव। ओके, चलो इसको रेडियस बोलेंगे, या तो हाँ पता है ना, अब मानो यहाँ से निकल के इसमें से निकल के फिर यहाँ पे जुड़ जाए ऐसे करके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, डायमीटर। यस, डायमीटर बोलते हैं ना। चलो ये हो गया डायमीटर। देखो डायमीटर भी, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, और इसको चौड़ बोलते हैं। एक पॉइंट्स के ऊपर से यहाँ पे पॉइंट के ऊपर जुड़ जाए, दैट इज कॉल्ड चौड़। क्या बोलेंगे? चौड़। ओके, ऐसी चौड़ कितनी सारी होती है? वो भी इनफाइनाइट। रेडियस कितनी होती है? वो भी इनफाइनाइट। डायमीटर कितना होता है? वो भी इनफाइनाइट। तो बेटा इससे हमको एक चीज़ बता चली, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया होगा, दो रेडियस मिलके क्या बनता है? डायमीटर। बराबर, फिर ऐसा नहीं कि सर ये रेडियस और ये रेडियस तो इन दोनों को डायमीटर बोलेंगे, नो, नेवर, डायमीटर इसको नहीं बोलेंगे। डायमीटर हमेशा ये जो कर्व्ड एरिया है ना सर्कल का, कर्व्ड ये दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है सर्कल, हाँ, इसके ऊपर से निकलना चाहिए, सेंटर में से होके दूसरी जगह जॉइंट होना चाहिए, उसी को डायमीटर बोलेंगे। ओके, यानी दो रेडियस, अब मानो ऐसे बनाए तो ये दो रेडियस बोल सकते हैं ना, और है ही, बोल सकते नहीं, है, ये दोनों रेडियस ही है, तो ये दोनों एक इक्वल है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट है ना। हाँ, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट भी बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बताया था ना, लाइन, इसको लाइन बोलते हैं, दोनों साइड एरो उसको लाइन बोलते हैं, और एक भी साइड एरो ना हो दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ओके, तो ये दो लाइन सेगमेंट है,
राइट, इसको डायमीटर बोलेंगे और दो रेडियस बोलेंगे, और इसको चौड़ भी बोल सकते हैं, यानी सबसे बड़ा चौड़ भी है। चौड़ कैसा होता है, सर्कल के एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट पे चिपक जाए, यानी जुड़ जाए, ये देखो ये जुड़ गया, तो ये सब चौड़ है। राइट, समझ में आ रहा है बेटा? ओके। अनदर डे नैना वॉज यूजिंग अ कंपास टू मेक अ सर्कल बट इट केम आउट लाइक दिस। ओके, अब दूसरे दूसरे दिन ट्राई किया तो ऐसा बन गया। क्यों ऐसा बन गया होगा बताओ? क्योंकि ये है ना, ऐसे ऐसे हो गया होगा उसका, ऐसे। राइट, ये होना चाहिए नहीं। अब उसने ऐसे बनाना ट्राई किया, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, आगे जाके बड़ा हो गया, तो देखो ऐसा बनेगा। अरे यार, इन शॉर्ट आप समझ गए ना, मतलब उसने यहाँ से पॉइंट रखा लेकिन ये पॉइंट भूल गई होगी, या तो फिर क्या होगा, ये जो है ना, ये एक्चुअली ये साइज है ना, इंक्रीज या डिक्रीज हो गई हो बेटा, इसलिए ऐसा हुआ। राइट, डिड एनी वन ऑफ यू एवर गेट अ शेप लाइक नैना? क्या आप कभी जब बनाने गए तो नैना जैसा शेप बना आपका? यस yes, हाँ बोलो यस। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू से यस, आप सभी को यस yes बोलना ही है, और नहीं तो क्या। बोलो ना सर, अभी हमने बनाया ही नहीं है, अभी जब बनाएंगे तो प्रैक्टिकली पता चलेगा। ओके, तो आपको एक सर्कल आज बनाना है, ये तो इसके अंदर बुक के अंदर ही करना है, नोटबुक के अंदर क्या करना है, अभी यहाँ पे लिखा ना, एक अच्छे से डिज़ाइन बनानी है, सर्कल बनाना है, और सर्कल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनानी है। ओके, जैसे इसने बनाया है। अच्छा, इसने डिज़ाइन कैसे बनाई होगी पता चल रहा है आपको? जैसे इन दोनों के ये है ना, ये रेडियस हुआ तो यहाँ पर ये रख दिया होगा, और फिर ऐसे सर्कल बना दिया, तो ये देखो फ्लावर्स जैसा भी बन गया। राइट बेटा, बेटा ये रंगोली जैसे भी बोल सकते हैं। ओके, ओ दिस स्क्रू ऑफ द कंपास इज लूज। देखो अभी मैंने बोला था ना, वही हुआ ना, ये जो है ना, ये लूज हो गया होगा, या फिर ऐसे ऐसे हो गया होगा। हाँ, या तो ये जो स्क्रू है ना, वो लूज हो गया होगा। लेट मी टाइटन इट नाउ, माई कंपास विल नॉट स्लिप। अब मेरा कंपास सिरकेगा नहीं, यानी फिसलेगा नहीं। ओके देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा ये टॉपिक, यहाँ पे ध्यान देना। फाइंड सेंटर। सादिक एंड समीना वॉन्ट टू मेक सर्कल्स फॉर देम सेल्व्स। अच्छा, ये दोनों सर्कल बनाना चाहते हैं। आई विल मेक इट विथ अ कंपास। ओके, मैं कंपास से बनाऊंगा। नो, आई विल ट्रेस विथ अ बैंगल। अच्छा, मैं चूड़ी से बनाऊंगी। ये सर्कल दोनों बनाना चाहते हैं, ये बोल रहा है कंपास से, ये बोल रही है चूड़ी से। ओके देखो, ये चूड़ी से बना रही है और ये कंपास से बना रहा है। देन दे कट दैट सर्कल, और उन दोनों ने अपना सर्कल कट किया। सी माई सर्कल हैज़ अ सेंटर बट वेर इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल। इसने क्या बोला कि जब मैंने कंपास से बनाया, ऑब्वियसली कंपास से बनाएंगे तो सेंटर तो हमको पता चल ही जाएगा, लेकिन इसने तो बैंगल से बनाया था। अब सोचो, अब सर्कल कैसे पता चलेगा? बोलो बोलो, सोचो। इसने तो बैंगल से बनाया, तो देखो मैंने भी ये बैंगल से बनाया, ये सर्कल दिख रहा है आपको। अब मुझे इसके अंदर सेंटर ढूंढना है, तो क्या लिखा है, शी फोल्डेड हर सर्कल इंटू हाफ। अब इसने हाफ में ऐसे फोल्ड, देखो आपको सेंटर कहीं दिख रहा है, ये क्योंकि अभी मैंने बैंगल से बनाया है, अब मैं इसको हाफ फोल्ड कर रहा हूँ, देखना यहाँ पे सब लोग, ये मैंने हाफ फोल्ड कर दिया। फिर क्या लिखा है हमको नेक्स्ट, फिर इसको अगेन फोल्ड करो, तो मैंने इसको इसको अच्छे से ऐसे कर दे रहे हैं यहाँ बीच में से, बीचों बीच थोड़ा घिसी जैसा। ओके, यानी उसको अच्छे से दबा के, राइट, फिर इसको यहाँ पे हमने फिर से ऐसे इसको फोल्ड किया, अगेन फोल्ड किया, हाफ था उसका भी, यानी क्वार्टरली फोल्ड हो गया ये। देखो अब उसको खोल दो, अब मैं इसको खोल देता हूँ, देखो मिल गया सेंटर, कट इट, यस और नो, बोलो तो सही। हाँ, ये रहा सेंटर, अब मैं इसका सेंटर यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकता हूँ, यस, पेन से। देखो बेटा पता चल गया सेंटर, तो मानो हम लोग कोई ऐसे भी सुना है, तो ये तो हमारा पेपर था तो हमने बना दिया, लेकिन और कोई चीज़ हो तो ये तो मुश्किल काम। कैन यू सी टू क्रीज लाइन्स क्रॉसिंग इच अदर, यानी क्रीज लाइन, ये दिख रही है क्रीज, शो रही है ना, क्रीज पड़ रही है ना यहाँ पे, दैट इज ये रहा। हाँ यस, ओके, शी आई पुट पॉइंट वेयर दिस लाइन्स क्रॉस, दिस इज द सेंटर ऑफ माई सर्कल। और उसने फिर क्या किया, ऐसे खोल दिया, जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बताया, इसने किया उससे पहले मेरा हो गया, यस आई एम विनर। और नहीं तो क्या, और देखो ये सेंटर बना दिया। देखो क्या लिखा है नेक्स्ट, नाउ यू ट्रेस अ सर्कल ऑन पेपर यूजिंग अ बैंगल, कट इट देन फाइंड द सेंटर लाइक सीमा। क्या लिखा है, समीना डीड। ओके, लिखा है आप भी कैसे, तो बेटा देखो यहाँ पे लिखा है ना कि पहले आप बैंगल से बनाओ, तो मैंने बैंगल से बना दिया, फिर इसकी तरह प्रैक्टिकली करो और फिर पॉइंट आउट करो, तो आपको ये प्रैक्टिकली करना है, ठीक है, बैंगल से ही बनाना। ओके, मम्मी की बड़ी सी बैंगल ले लेना। वी कैन ऑल्सो मेक द डिज़ाइन ऑन पेज 88 लाइक दिस, हाउ कैन डिड यू डू इट। ओके, आप ऐसे डिज़ाइन कैसे बना सकते हो,
तो हमको पेज नंबर 88 है ना, उसके जैसी डिजाइन बनानी है। कहाँ 88 पेज नंबर, ये रहा देखो ये रहा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे डिज़ाइन बनाइए, तो ये कैसे बनानी हो तो आपको आता ही है, मैंने सिखाया ना। फिर इन दोनों का सेंटर, पहले तो आप डायमीटर बनाओ या फिर रेडियस, मैं तो बोलता हूँ सीधा बना दो, सेंटर में से निकले ना यहाँ पे, ऐसे स्केल रखो। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया भी सही है ना कि कैसे करना है, बताया ना अभी। यस, पहले हम सर्कल बना देंगे, फिर इसको ऐसे पूरा लाइन खींच, यानी ये पूरा बन गया, इसको डायमीटर बोलेंगे, और ये सेंटर से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। फिर इन दोनों के बीच में सेंटर करो, इन दोनों के बीच में सेंटर करो, राइट। फिर ऐसे डिज़ाइन बन जाएगी। ओके चलो आगे क्या लिखा है बेटा, बैलेंसिंग एक्ट मीन्स व्हाट, देखते हैं। कैन यू बैलेंस अ प्लेट ऑन योर फिंगर, अच्छा ये प्लेट है ना उसको बैलेंस करना है, तो बेटा हम इधर से करेंगे या इधर दूसरी जगह से प्लेट को है ना बैलेंस करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ये मंकी भैया वही करे, आई विल बैलेंस इट, मैं कर सकता हूँ, यानी मैं करूँ, देखो ये करके बता रहा है, कोई नहीं रहा है। उप्स, आई विल ट्राई अगेन, मैं फिर से ट्राई करूँ, आई थिंक आई हैव फाउंड द सेंटर ऑफ द प्लेट इन शॉर्ट। अच्छा बेटा एक और बात बताओ, अपने गाँव में या मेले में देखा है वो लोग थाली घुमाते हैं ना, डिश घुमाते हैं, है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो आपने एक चीज़ नोटिस की, वो डिश ऐसे नहीं घूमती, डिश का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, मानो कि प्लेट हो, फॉर एग्जाम्पल मानो ये प्लेट, अभी देखो मेरे पास प्लेट नहीं है, और होती तो भी यार मैं घुमा नहीं सकता, बिकॉज मुझे नहीं आता यार प्लेट घुमाने। ओके आप में से कई बच्चों को आता भी होगा, आपके पेरेंट्स में किसी को आता होगा, मैंने राजस्थानी जो होते हैं ना उनके अंदर बहुत सारे देखा है, काफ़ी मारवाड़ी लोग होते हैं ना। यस, मेरे दो तीन हैं मतलब अच्छे से, मतलब नेबर्स भी हैं मेरे, वो भी मारवाड़ी, तो उन्होंने मेरे को ऐसा करके बताया था। हाँ उनको अच्छे से, वो एक वन टाइप ऑफ आर्ट है बेटा, हाँ एक कला होती है ना उसके, मतलब हमारे गांव की परंपरा के अनुसार वो लोग कुछ सीखते हैं। ओके सी, तो अब यहाँ पे ये घुमा रहे नहीं, लेकिन सेंटर पॉइंट जब मिलते ना, सेंटर पॉइंट पे फिंगर रखेंगे तो घूम सकता है। नाउ यू ऑल्सो ट्राई अ बैलेंस अ प्लेट और राउंड लीड ऑन योर फिंगर, वेयर डज इट बैलेंस। ओके तो आप इसको ट्राई करना, ठीक है, देखना भाई लग ना, बड़ी सी थाली मत ले लेना, सीधे पैर पे गिरेगी तो लग जाएगी। हाँ या फिर बेड पे बैठ जाना और बैठे बैठे करना, तो गिरे तो भी बेड पे ही गिरे, आवाज़ भी नहीं आएगी और लगेगा भी नहीं। ओके स्पिन द टॉप, चलो टॉप को घुमाना है। हाँ देखो अब कैसे टॉप को घुमाना है, जाकिर अप्पू नैना एंड गुड्डू वाई गेटिंग बोर्ड, अब बेचारे बोर हो रहे थे चारों जन, इट वॉज रेनिंग, बारिश भी गिर रही थी, सो दे कुड नॉट गो आउट टू प्ले, इसलिए बाहर खेलने जा रहे जा सकते नहीं थे। सडनली अपू सेट लेट्स ईच मेक अ टॉप, चलो हम हर एक जन एक टॉप बना दें। देखो कैसे टॉप बनाया, दे टूक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ट्रेस्ड अ सर्कल ऑन इट, देन दे मेड अ होल एंड पुट अ मैच स्टिक इन इट, अच्छा उन्होंने कार्डबोर्ड था ना, यानी हार्ड पेपर होता है ना कार्डबोर्ड, उस पर से एक सर्कल बनाया, सर्कल में उसने पॉइंट तो होता ही क्योंकि उसने किससे बनाया होगा, कंपास से, देन उसने एक हॉल किया और हॉल के अंदर क्या डाल दिया, मैच स्टिक डाल दिया इसके अंदर। देखो मैं आपको एक बताता हूँ, एक मिनट से बेटा, मेरे को मैच स्टिक तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये जो मेरे बैग के अंदर रखा था मैंने, अगरबत्ती हम कहते हैं ना दिया का अगरबत्ती, उसकी लास्ट जो स्टिक होती है ना वो मैंने ली है। आप इसकी जगह ये सेंटर पॉइंट है ना उसके अंदर ऐसे अच्छे से, पहले है ना डायरेक्ट मैच स्टिक मत डालना, क्या होगा ये जो है ना फट जाएगा कार्ड पेपर, ये तो बहुत पतला पेपर है, आपको कार्ड पेपर लेना बड़ा सा, ये जो है ना कंपास उससे हम लोग ऐसे करेंगे, अच्छे से हो जाएगा। एक्चुअली मैंने तो डायरेक्ट लिख किया है, देखो कर दिया, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अभी मैच स्टिक को थोड़ा तोड़ सकते हो, बन गई, बन गया ना टॉप, नहीं घूम रहा है, हार्ड पेपर चाहिए तो ही घूमेगा पूरा, नहीं मजा आ रही है, नहीं नहीं मैंने मज़ा ही नहीं आ रही, घूम ही नहीं रहा है टॉप। ओके लेकिन ये तो हमको पता है कि हमको सेंटर पॉइंट में डालना है, लेकिन जाकिर अप्पू नैना और गुड्डू ने क्या मिस्टेक की वो हमको देखना है। ऑब्वियसली आप लोग ये मिस्टेक नहीं करोगे, मुझे श्योर पता है, बिकॉज देट यू आर माई स्टूडेंट्स, यस आप लोग तो विजय सर के स्टूडेंट हो ना। बेटा एक चीज़ सोचो आप, कि जब उन्होंने कार्ड पेपर कट किया, अब मैस्टिक लगाने तो साइड में थोड़ी ना लगाएंगे, जाकिर तो देखो ना यार, जाकिर ने भी क्या, मे भी यार जाकिर आपके जितना, हाँ आपके जितना होशियार थोड़ी ना होगा, आपके जितना बेचारा क्लेवर भी नहीं होगा ना, दैट्स वाई। अप्पू तो अच्छा है, अप्पू शायद मेरा स्टूडेंट था ना, यस आपकी क्लास में पढ़ता है ना अप्पू, मेरा स्टूडेंट है इसीलिए, देखो उसने सेंटर में लगाया तो इसका टॉप अच्छे से घूमेगा, नैना का भी नहीं घूमने वाला है, गुड्डू का भी नहीं घूमने वाला है। ओके तो यहाँ पे लिखा है हुज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल, किसका नहीं घूमने वाला है, तो इसका आंसर क्या लिखो कि जाकिर एंड गुड्डू, राइट
या फिर तीनों तीनों आएंगे, नहीं ना, यानी जिनका घूमने वाला नहीं है, बोलो। ओके, हुज टॉप विल स्पिन अ लिटल, थोड़ा सा घूमेगा, ऐसा कौन है? नहीं, एक सेकंड बेटा, इसका जो आंसर है ना, बिल्कुल नहीं घूमने वाला है, ऐसा कौन है? तो मुझे लग रहा है ये, नहीं ना, उसका बहुत ही साइड में देखो, इसका तो घूमने वाला, नीचे ही गिर जाएगा। यस, बिल्कुल बैलेंस ही नहीं रहेगा ना, तो नहीं ना। हुज टॉप, ये आप सुन लेना, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको ये भरना है खुद ही। हुज टॉप विल स्पिन अ लिटल, थोड़ा सा किसका घूमेगा? तो जाकिर एंड गुडू, क्योंकि दोनों का सेम है, देख लो, है ना, इसका बहुत साइड में, राइट। हुज टॉप विल स्पिन द बेस्ट, सबसे बेस्ट किसका घूमने वाला है? तो अप्पू का। एंड इन हुज टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर, एकदम सेंटर के सबसे नज़दीक किसका है, बोलो। टॉप इज स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर, तो सबसे सेंटर के नज़दीक गुड्डू नहीं, अप्पू है, एकदम उसी के पास में ही है ना, सेंटर के अंदर ही है। यस, पास में बोला है हमको, तो हम अप्पू लिख सकते हैं इसका आंसर। ओके, एकदम पास में पूछा है, देखो पास में बोला जाए तो फिर ये तो गुड्डू भी आएगा और जाकिर भी आएगा, लेकिन ये तो दूर है, सेंटर पॉइंट तो कहाँ पे होगा? यस, यू नो ऑलरेडी, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा। अच्छा, नियरेस्ट बोला है ना, यस, तो आप गुड्डू आंसर लिख सकते हो इसके अंदर, क्या लिख सकते हो? गुड्डू। ओके, चलो नेक्स्ट, मेक योर ओन टॉप, आपका खुद का टॉप बनाओ। यू ऑल्सो मेक योर ओन टॉप एंड प्ले दिस गेम, टू मेक द टॉप स्पिन वेल, वेयर विल यू टू मेक द हॉल। ओके, जब आपको टॉप बनाना है स्पिन कर रहे हैं, तो आप हॉल कहाँ पे बनाओगे? सेंटर में। कहाँ पे बनाएंगे हम लोग? सेंटर में। ओह माई गॉड, चैप्टर फिनिश्ड, क्या बात है! ओहो, क्लैप्स करो, क्लैप्स करो। यस यस यस, तो ये एक्टिविटी आप घर पे करोगे ना बेटा? हाँ। ओके चलो, अभी थोड़ा वर्कबुक में देखते हैं। सी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा बाकी था ना, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। ओके, पेज नंबर 48 है वर्कबुक के अंदर, ये तो सब लोग ने कर दिया ना, और ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था, इसका आंसर मिल गया ना। ओके, अब जब ये आया होगा तो ये आपको ईजी जाएगा। क्या लिखा है? ड्रॉ अ सर्कल यूजिंग एनी सर्क्यूलर ऑब्जेक्ट लाइक रिंग्स, वेसल्स एटसेट्रा। अच्छा, आपको सर्कल ड्रॉ करना है, तो किसी से भी रिंग्स या किसी से भी वेसल से भी किसी से भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं ना ये कंपास की सहायता से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, ये सेंटर पॉइंट मुझे पता है, मैं भूला नहीं हूँ। ओके, आप देख रहे हो ना कितने अच्छे से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सर, आपका तो ये हिल जा रहा है, नहीं हिलेगा मेरा, देखो अच्छे से हो गया। यस, परफेक्ट, कितना अच्छे से एकदम ड्रॉ हो गया, दिख रहा है? यस और नो? ओके, नाउ अब इसके अंदर हमको जो जो डिटेल्स बोला है ना, वो लिखना है। मार्क अ सेंटर एज ओ, अच्छा ये रहा सेंटर, ये रहा, इसको हमको ओ नाम देना है, तो ये मैंने ओ नाम दे दिया। डायमीटर ए बी, डायमीटर पता ना, डायमीटर कैसे बनाना है कि नहीं? यस, तो ये देखो मैंने डायमीटर बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे डायमीटर पता है ना, सेंटर में से निकलना चाहिए, एक जगह से निकलेगा दूसरी जगह जॉइंट होगा, बट उसका रोड जो है वो कहाँ से क्रॉस पास होना चाहिए? सेंटर में से। तो ये डायमीटर क्या नाम देना है? ए बी। नाउ एंड टू चॉर्ड्स, पी क्यू एंड आर एस, टू चॉर्ड्स बनाना है, तो मैं यहीं पे बना देता हूँ, एक यहाँ पे बना देता हूँ चॉर्ड्स, और एक यहाँ पे बना देता हूँ, कहीं भी बना सकते हो आप, ऐसे भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसे आपको बनाना है। एक पी क्यू और एक आर एस, ये मैंने बना दिया पी क्यू, और एक मैंने बना दिया आर एस। ओके, गॉट इट? फिर क्या लिखा है? इफ द डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, द रेडियस विल बी। अच्छा, अब ये मेजरमेंट हमको निकालना नहीं है, ये इसका आंसर इसके अंदर लिखना है। मानो डायमीटर 20 सेंटीमीटर, देखो ये डायमीटर मैंने समझाया था, ये डायमीटर 20 है, कितना है टाइम 20, तो रेडियस, रेडियस तो आधा होता है, तो रेडियस कितना होगा? मानो ये डायमीटर 20, तो रेडियस कितना होगा उसका? हाफ, मैंने समझा ना, कई बार मैंने समझा चुका हूँ ये, तो डायमीटर 20 हो तो रेडियस विल बी 10 सेंटीमीटर। गॉट इट? कैन यू ड्रॉ अ चॉर्ड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर ऑन दिस सर्कल? वाई, आप 25 सेंटीमीटर का चॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो? ऐसा चॉर्ड 25 सेंटीमीटर? नो, नहीं कर सकते, क्यों? स्पेस नहीं है ना भाई। यस, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? देखो बेटा, इसका आंसर क्या लिखेंगे? वाई, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको देखो यहाँ पे डायमीटर 20 बोला है ना, तो हमको इसको अज्यूम करें ना, यानी इसको मान के चले ना, तो हम तो कभी नहीं कर सकते। यस, हमको 25 सेंटीमीटर। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको डायमीटर तो बोलने, क्या इसको चौड़ बोल सकते हैं? यस और नो?
यस, इसको चौड़ बोल, मैंने समझाया था ना, चौड़ देखो ये है ना, ये डायमीटर है, और डायमीटर को हम चौड़ बोल सकते हैं। फिर देखो मैं यहाँ पे लिख के बता, डायमीटर को हम चौड़, सी शॉर्ट में बताओ, डायमीटर को चौड़ बोल सकते हैं, क्योंकि डायमीटर जो है ना, ये यही सबसे बड़ा चौड़ है पूरे सर्कल का, राइट। ये भी चौड़ है, ये भी चौड़ है, और ये भी चौड़ है ना, चौड़ कि नहीं। ओके, ये भी चौड़ तो है ही, तो इसको हम सबसे बड़ा चौड़ बोल सकते हैं। अब मानो यही 20 हो, तो हम 25 सेंटीमीटर का चौड़ कैसे बना सकते हैं? नेवर, कभी नहीं बना सकते। ओके, अब चौड़ को डायमीटर बोल सकते हैं, चौड़ को डायमीटर, मानो ये चौड़, इसको डायमीटर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, चौड़ जो है ना वो एक जगह से निकल के दूसरे पॉइंट पे जॉइंट हो जाती है, सर्कल से भी जॉइंट हो सकती है विदाउट, सॉरी, सेंटर में से भी निकल के जॉइंट हो सकती है, विदाउट सेंटर भी हो सकती है। इसलिए सारे डायमीटर को चौड़ बोल सकते, बट सारे चौड़ को डायमीटर बोल सकते नहीं है। गॉट इट? ओके, और रेडियस आपको पता ही है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? नो, आई कांट रो, बिकॉज इट्स डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट इज वेरी बिगेस्ट चौड़ ऑफ सर्कल। ओके, चलो, यूजिंग अ कंपास ड्रॉ सर्कल ऑफ द रेडियस। चलो अब ये आपको बनाना है, रेडियस 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, रेडियस कितना होना चाहिए? 4, ऐसा हमको सर्कल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखो ये रेडियस, इसको रेडियस बोलते हैं ना, तो हम लोग इसका मेजरमेंट ले लें, कितना? 4 सेंटीमीटर। इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल, ये स्केल है, 4 सेंटीमीटर लेना है। तो ये मैंने 0 पे पॉइंट किया कंपास को, और ये 4 सेंटीमीटर, देखो दिख रहा है आपको 4 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, देखो है ना 4 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं इसको रखूँगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे स्पेस देख लूँगा, ऐसे पहले एक बार ऐसे रफली घुमा के देख लेने का, सब जगह से आ तो रहा है ना, कहीं कट तो नहीं हो रहा है ना। तो ये मैंने रफली पहले देख लिया, और फिर मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया, ये पॉइंट मुझे पता है, सेंटर पॉइंट, राइट। तो मैं है ना, ये रहा सेंटर पॉइंट दिख रहा है, मैं यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कर दूंगा सेंटर, क्योंकि हमको रेडियस ड्रॉ करना है ना, तो ये रेडियस हो गई, और लिख दिया 4। तो खाली रेडियस नहीं लिखना है, खाली ऊपर लिखना है 4 सेंटीमीटर। अब इसको मेजरमेंट करो, 4 सेंटीमीटर ये देखना है आपको, देख लो, जूम करके दिखा रहा हूँ, सी देखो है कि नहीं 4 सेंटीमीटर। ओके, चलो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ, जब यहाँ पे स्पेस नहीं, तो यहाँ पे ड्रॉ, इतने में ड्रॉ कर लेना, और इसको थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करना बराबर। ओके, ये है ना सर्कल, यहाँ पे करना और ये यहाँ पे करना, यानी इन ऐसे आ जाएगा। चलो अभी क्या लिखा है, ड्रॉ द फिगर शोन बिलो यूजिंग योर कंपास। अच्छा, कंपास से यानी इसकी हेल्प से आपको ऐसा बनाना है, यहाँ पे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसा बना सकते हो ना। अब एक एक्टिविटी है, अब ये एक्टिविटी ऐसे, जैसे इसके अंदर ऑलरेडी हमको आंसर्स दिया है, देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। ड्रो, अभी मैं इसको अधूरा भी नहीं छोड़ सकता ना ये टॉपिक को, दैट्स वाई। ड्रो अ लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, लाइन सेगमेंट ड्रो करना है, तो देखो ड्रो कर दिया है ना ए बी। आप इसको नोटबुक में करना, मार्क मिड पॉइंट ऑफ ए बी यूजिंग योर स्केल। मिड पॉइंट यानी बीच का सेंटर पॉइंट। अभी ए बी है ना लाइन सेगमेंट है, मैंने अभी भी समझाया ना, दोनों साइड एरो तो उसको लाइन बोलते हैं, और एरो ना हो दैट मीन्स लाइन सेगमेंट, ये लिखा है लाइन सेगमेंट। ए बी, ए बी ड्रॉ किया, और मिड पॉइंट यानी सेंटर पॉइंट, उसका नाम क्या दिया है? ओ नाम दिया। ओके, विथ ओ एज अ सेंटर, ओके ये दिया है, एंड ओ एज द रेडियस ड्रॉ अ सर्कल। ओके, ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, हमको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करना है। ओके, देखो यहाँ पे ओ सेंटर लिया है ना, और ओ ए रेडियस बनाओ, तो देखो ओ ओ ए बन गया ऑटोमेटिकली रेडियस, सेम ही अभी। कंप्लीट द फिगर एज शोन बिलो, ऐसा देख देख के आपको फिगर यहाँ पे ड्रॉ करना है बराबर। अब इसके अंदर आपको देखो क्या लिखा है, इसके अंदर नेम आपको देना है, ओ ए ओ बी ओ सी एन ओ ई ओ। तो ये जो है ना, ये पहले ड्रॉ करो सर्कल, ड्रॉ कर दिया है, और डायमीटर्स ओ ए, तो देखो इसका आंसर है ना यहाँ पे दिया है ओ, अच्छा सॉरी सॉरी, डायमीटर्स बोला है ना, ये रहा देखो डायमीटर्स, देखो बेटा 4 सर्कल्स बराबर, और डायमीटर क्या होना चाहिए? ओ ए ओ बी। देखो ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है, देखो 4, यहाँ पे ये एक ही सर्कल है ना, एक ही सर्कल, और यहाँ पे हमको 4 सर्कल, तो 4 सर्कल ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया है, हमको नाम देना है खाली। डायमीटर आपको पता है ना, डायमीटर किसको बोलते हैं? कि मानो ये छोटा सर्कल है, ये सर्कल है, तो इसका सेंटर ये हुआ, ये सर्कल का सेंटर ये हुआ, वो यहाँ से निकल के सेंटर में से निकल के जाना चाहिए, तो ओ ए, तो मानो यहाँ पे इसका नाम ओ दे देता हूँ, तो ओ ए, फिर ओ बी, तो ओ तो ऑलरेडी दिया, अब ये सर्कल की बात हो रही है, ये वाले सर्कल की, तो ओ
और ये बी, देखो ये डायमीटर ही है ना, है कि नहीं। फिर ओ सी, तो अब ये वाले सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ओ तो ऑलरेडी नाम दिया है, और मानो ये सेंटर है, यहाँ से निकला सेंटर में से यहाँ पे आ गया, तो ओ सी। अब ये सर्कल की फोर सर्कल बोला था, ये हो गया ओ डी, तो ओ से लेकर यहाँ तक ओ डी। ओके, आप यहाँ सेम टू सेम यहाँ पे ड्रॉ करना, और फिर ये ऐसे डिज़ाइन बन जाएगी, ऐसे ऑलरेडी बना हुआ है ये, इसके अंदर आपको कलर करना है, और हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है बेटा। ओके, समझ में आ रहा है ना। ओके तो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।